इक्विटी मार्केट्स आर सेलिंग ऑफ स्पेशली निफ्टी इज डाउन 70 टू 80 पॉइंट्स तो एक नेगेटिव रिस सेंटिमेंट है जो पॉजिटिव है डॉलर रुपी के लिए थर्ड इज दैट एशियन करेंसीज में एक हल्का सा गिरावट है और उसका भी इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द डॉलर रुपी विच इज़ पॉजिटिव तो इसके कारण डॉलर में एक स्लाइड अप ट्रेंड है But seventy-four fifty k aspas, there is going to be a major resistance because seventy-four uh, fifty call options have heavy open interest, hai. and in this regard, the uh, market will find it very uh, difficult to trade above seventy-four fifty. Or 74 May, we have seen that it, uh, it has taken strong support, or we suspect RBI intervention is also coming at those levels. So 74 says 7450 ka filhalka range on the November futures. How you can trade? Generally, your market range may so you can focus on selling option uh, strategies like straddles, strangles, or even things like iron fly if you want to take a uh, lower risk. तो उसमें यू कैन फोकस ऑन नवम्बर ट्वेंटी सिक्स एंड सेल सेवेंटी फोर टू सेवेंटी फोर फिफ्टी स्ट्रैंगल वो बेचा जा, जा सकता है अगर फ्यूचर्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्लोजर टू सेवेंटी फोर फोर्टी फोर्टी फाइव यू कैन सेल बिकॉज योर स्टॉप लॉस विल भी सेवेंटी फोर हाफ के ऊपर ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस इंटरनेशनल करेंसीज में जी वी आई एन में वी कैन सी फर्दर इम्प्रूवमेंट टूवर्ड्स हंड्रेड वन पॉइंट टू हंड्रेड वन पॉइंट थ्री क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था तो इन में बाय ऑन डिप्स इज गोइंग टू बी द अप्रोच इन जी वी आई एन आर सो दैट्स इट फोक्स दिस अनिद बनर्जी इज साइनिंग ऑफ फैंटेस्टिक डे अड